पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने पत्रकार गौरी लंकेश की निर्मम हत्या कर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है और कहा है कि देश में अब कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को भी खोखला बताया और कहा कि आज बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं। रेवाड़ी में हाल ही में 2 दिन के दौरे पर आए सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों को अपनी बैठक में बुलाकर उन्हें यह कहकर बैठक से बाहर निकाल देना कि वह तो विपक्ष के लोग हैं सरासर निंदनीय है, क्योंकि सीएम किसी भी पक्ष या विपक्ष का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का होता है। आप देख रहे हैं छत्रपति जो है, जिसने राम रही का जो मामला था, जिसने बकायदा उसको जो है छापा और उसमें उस महिला को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, साध्वी को, जिसने हिम्मत करके ये मामला किया। आज तक जो है उसके परिवार के लोगों को ना तो उसके लड़के को नौकरी दी है, बेरोजगार चल रहा है वो। तो मेरा ये मामला है कि जहाँ भी इस प्रकार की जो अटैक होते हैं, जो मीडिया जो 14 स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको हर प्रकार की सुविधाएं और मदद मिलनी चाहिए। इन खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए बीवीएम न्यूज़।